वेलकम बैक स्टूडेंट, होप एवरीबडी फिट एंड फाइन। सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट, एंड वी आर इन द सेशन नंबर 1। ओके, सो बिफोर वी स्टार्टेड अवर लेक्चर, व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट सेशन। सो लास्ट सेशन वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 9। सो चैप्टर नंबर 9 इज बेस्ड ऑन अ ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी राइटर। ऑलरेडी मैंने राइटर क्या है वो एक्सप्लेनेशन आपको लास्ट सेशन में दे दिया है, राइट। एक टेक्स्ट एडिटर है, उसके अंदर आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, लेटर क्रिएट कर सकते हो, टेक्स्ट बुक क्रिएट कर सकते हो, राइट। इन दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, आपको डॉक्यूमेंट को एडिटिंग करना हो, फॉर्मेटिंग करना हो, तो वो हमें चैप्टर नंबर 10 में देखना है, राइट। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज सिलेक्टिंग टेक्स्ट। अगर आपने ओपन ऑफिस के अंदर जो भी कंटेंट लिखा है उसको हमें सिलेक्ट करना है, राइट, तो वो हम कैसे करेंगे। टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन द टेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नेसेसरी टू सिलेक्ट द टेक्स्ट। देर आर वेरियस वे ऑफ सिलेक्टिंग अ टेक्स्ट इन राइटर। द होल डॉक्यूमेंट विल बी सिलेक्टेड बाय यूजिंग कंट्रोल प्लस ए और बाय एडिट सिलेक्ट ऑल कमांड। सो अगर आपको डॉक्यूमेंट के अंदर आपने जो भी कंटेंट लिखा है उसको आपको सिलेक्ट करना है, सो देर आर वेरियस मेथड टू यू वॉन्ट टू सिलेक्ट अवर कंटेंट, बट आपको पूरा डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है, तो आपके पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए। जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए क्लिक करोगे, सो पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो आपका पूरा डॉक्यूमेंट का जितना भी कंटेंट है, जितना भी आपने लिखा है, वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, क्लियर। अदरवाइज आपको एडिट में जाके सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करोगे तो भी आपका पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा, क्लियर। देन आपको डॉक्यूमेंट के अंदर सिलेक्ट करना है, सो देर आर वेरियस मेथड यू वॉन्ट टू सिलेक्ट अवर डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, राइट। सो नेक्स्ट इज राइटर प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ क्रिएटिंग मोर देन वन ब्लॉक टू डू द सेम आफ्टर सिलेक्टिंग फर्स्ट ब्लॉक। होल्ड डाउन द कंट्रोल की, गो टू द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द सेकेंड ब्लॉक टू बी क्रिएटेड एंड ड्रैग द माउस फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट कैरेक्टर ऑफ डिस्क्राइब टेक्स्ट। अगर आपको डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी आपने कंटेंट लिखा है उसको सिलेक्ट करना है, बट सिलेक्शन कैसे करना है, फर्स्ट मुझे फर्स्ट दो लाइन है वही सिलेक्ट करना है, देन मुझे लास्ट थ्री लाइन सिलेक्ट करना है, तो ऐसे ब्लॉक वाइज मुझे सिलेक्शन करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो ब्लॉक वाइज सिलेक्शन करने के लिए हमें कीबोर्ड पे से कंट्रोल की का यूज करना पड़ेगा, क्लियर। सी द इमेज, वो ही है यहाँ पे जो इमेज है, सी यहाँ पे जो भी इमेज है वो इमेज इमेज में भी कुछ ऐसा ही किया है, उन लोगों ने ब्लॉक वाइज सिलेक्शन किया है। सी यहाँ पे फर्स्ट सिलेक्शन है, राइट, देन यहाँ पे सेकंड सिलेक्शन है, सी, राइट। सो इतना पोर्शन ऑलरेडी उन लोगों ने सिलेक्ट करके रखा है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल की को होल्ड करके रखना पड़ेगा, दैट मीन प्रेस करके रखना पड़ेगा, और नेक्स्ट सिलेक्शन आपको जहां से करना है वहां से वो जो नेक्स्ट ब्लॉक है उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्लियर। सो देर आर वेरियस मेथड कि आप अपना डॉक्यूमेंट को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर पाओगे, क्लियर। सी राइटर ऑल्सो प्रोवाइड यूनिक फैसिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ वर्टिकल ब्लॉक विच कैन बी ऑप्टेन बाय यूजिंग मेनू चेन एडिट सिलेक्ट मोड एंड ब्लॉक एरिया एंड देन यूजिंग द माउस टू सिलेक्ट द डिस्क्राइब ब्लॉक। अल्टरनेटिव वन कैन मेक यूज ऑफ अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस F8 की ऑन द कीबोर्ड। द अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस F8 की वर्क एज अ टॉगल स्विच, एग्जाम्पल बाय प्रेसिंग द सम की कॉम्बिनेशन अगेन वन की स्विच टू ओरिजिनल मोड ऑफ सिलेक्शन, क्लियर। सो ओपन ऑफिस आपको वर्टिकल सिलेक्शन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आपको यूज करना है तो एडिट मेनू में से जाके आप सिलेक्शन मोड पे क्लिक करोगे तो वो ब्लॉक एरिया वाइज सिलेक्शन आ जाएगा। सी द इमेज, वो ही है, सी, राइट। अगर आपको यूज करना है ब्लॉक एरिया वाइज आपको सिलेक्शन करना है तो आप
यूजिंग द एडिट मेनू, देन यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा सिलेक्शन मोड एंड ब्लॉक एरिया। जैसे आप ब्लॉक एरिया पे क्लिक करोगे दोस्तों, सी यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्शन आपके सामने ही है, राइट। जितना भी लिखा है वो ब्लॉक एरिया के हिसाब से सिलेक्शन आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट इज अनडूइंग एंड रीडूइंग चेंजेस, दैट मीन्स आपने जो भी लिखा है उसको अनडू करना है और रीडू करना है। बहुत ही पॉपुलर फीचर्स है उबन टू ओपन ऑफिस के अंदर, आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर भी ये फैसिलिटी को यूज किया है, अनडू और रीडू, क्लियर। व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज ओपन यू कैन अनडू द मोस्ट रिसेंटली चेंज इन थ्री डिफरेंट वे। आपने जो भी मोस्ट रिसेंटली जो भी चेंजेस किया हो उसको आपको चेंज करने के लिए आपको अनडू करना पड़ेगा, क्लियर। सो देर आर थ्री वेज, फर्स्ट इज कंट्रोल प्लस जेड मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू शॉर्टकट की, सेकंड इज क्लिकिंग द अनडू आइकॉन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार से आपको अनडू आइकॉन पे क्लिक करना पड़ेगा, एंड थर्ड वन इज यूजिंग एडिट मेनू एंड क्लिक अनडू बटन, राइट। सो देर आर थ्री मेथड, फर्स्ट इज शॉर्टकट की, सेकंड इज स्टैंडर्ड टूल बार पे आपको आइकॉन मिल जाएगा, एंड थर्ड इज आपको मेनू, एडिट मेनू देन क्लिक अनडू, क्लियर। सी द इमेज वो ही है, राइट। अगर आपको अनडू रीडू देखना है तो कैसा दिखेगा, क्लियर। सी यहां पे लिखा है थर्ड इज सिलेक्टिंग एडिट, सी क्लिकिंग द अनडू आइकॉन ऑन अ स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार पे अनडू और रीडू का आइकॉन कैसे दिखेगा, सी दिस इज द आइकॉन अनडू एंड रीडू, राइट। आपने करंटली रिसेंटली जो भी चेंजेस किया होगा उसको आपको अनडू और रीडू करने के लिए आपको ये फंक्शन यूज होगा। रीडू बिकम एक्टिव ओनली आफ्टर चेंज हैव बीन अनडू। रीडू ऑप्शन कब एक्टिवेट होगा, अगर आपने अनडू के रिगार्डिंग जो भी प्रोसेस चेंजेस किया होगा तभी वो रीडू ऑप्शन जो है वो विजिबल होगा। दैट मीन्स फर्स्ट आपको जो अनडू ऑप्शन है वही ऑप्शन आपके सामने विजिबल होगा, रीडू जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपके सामने विजिबल नहीं होगा, क्लियर। आपने कोई ऐसी प्रोसेस की होगी, आपने कोई ऐसा चेंजेस किया होगा डॉक्यूमेंट के अंदर अनडू यूजिंग विथ यूजिंग अनडू, राइट, तभी वो रीडू ऑप्शन जो है वो विजिबल होगा, क्लियर। लाइक अनडू रीडू कैन ऑल्सो बी डन इन अ डिफरेंट थ्री डिफरेंट वे। प्रेस कंट्रोल प्लस वाई, क्लिकिंग द रीडू आइकॉन ऑन अ स्टैंडर्ड टूल बार, एंड सिलेक्ट एडिट रीडू फ्रॉम द मेन मेनू बार, क्लियर। सो देर आर थ्री वेज, अनडू और रीडू की दोनों की थ्री मेथड्स है आप अनडू और रीडू फैसिलिटी को यूज कर पाओगे। फर्स्ट इज शॉर्टकट, सेकेंड इज स्टैंडर्ड टूल बार, एंड थर्ड इज मेनू, राइट। सो अनडू के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जेड, राइट। स्टैंडर्ड टूल बार पे उसका आइकॉन आपको मिल जाएगा अनडू का ग्रीन कलर के अंदर, एंड मेनू है एडिट मेनू। सेकंड रीडू के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वाई, उसका भी आइकॉन आपको स्टैंडर्ड टूल बार पे मिल जाएगा ग्रीन में, एंड वो कब अपीयर होगा, जब भी आपने अनडू की कोई भी चेंज अनडू के रिगार्डिंग कोई भी चेंजेस डॉक्यूमेंट में किया होगा तभी वो रीडू ऑप्शन आपके सामने विजिबल होगा स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर, क्लियर। एंड थर्ड ऑप्शन इज एडिट मेन्यू, क्लियर। नेक्स्ट इज कटिंग कॉपी एंड पेस्टिंग टेक्स्ट। आप जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर कॉपी पेस्ट करते हो, राइट, जो भी कंटेंट लिखो उसको कॉपी कट और पेस्ट करते हो, तो वो किस हिसाब से होगा, कहाँ पे होगा, तो वो हमें ये टॉपिक के अंदर देखना है। द प्रोसेस ऑफ कटिंग सिलेक्शन टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस एंड प्लेसिंग इट टू अदर प्लेस इन द सेम डॉक्यूमेंट और इन अदर डॉक्यूमेंट इज नोन एज मूविंग कॉपी। ऑन द अदर हैंड मीनिंग दैट द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी रिप्लेस्ड एट द सेम अदर प्लेस ऑल्सो, द ओरिजिनल कंटेंट दैट आर कॉपी रिमेन एट द सेम प्लेस, बोथ मूविंग एंड कॉपी आर डन इन अ डिफरेंट फोर वेज, क्लियर। सो यहाँ पे उन लोगों ने चार डिफरेंट मेथड आपके सामने रखी हुए कॉपी और मूविंग की, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो फंडा क्लियर होना चाहिए कि कॉपी और कट में डिफरेंस क्या है। कॉपी मीन्स वॉट, कि वो आपके पास जो भी कंटेंट है उस जब वो कंटेंट को आप जब भी कॉपी करोगे तो वो जो कंटेंट है उसकी सेकंड कॉपी वो जनरेट करेगा। एंड कट में क्या होगा, जो भी कंटेंट है वो कंटेंट
जो भी जहां पे आपका करंट कंटेंट है, राइट, करंट लोकेशन है, वहां पे जो भी आपने कंटेंट लिखा है, वो कंटेंट जब भी आप कट करोगे तो वहां से कंटेंट मूव हो जाएगा। दैट मीन वहां से जो भी कंटेंट है वो कंटेंट वहां से निकल जाएगा और आपकी जो करंट न्यू लोकेशन होगी वहां पे वो डेटा मूव हो जाएगा, दैट मीन्स वहां पे वो पेस्ट हो जाएगा। क्लियर? सो देर आर फोर मेथड। फर्स्ट इज यूजिंग मेनू, फॉलोइंग द स्टेप गिवन फॉर मूविंग सेक्शन टैग्स। फर्स्ट इज सिलेक्ट द टैग्स टू बी मूव्ड। सेकेंड इज फ्रॉम मेनू चूज एडिट कट, मूव टू द कर्सर टू द पोजिशन वेयर वी सिलेक्ट टेक्स्ट इज टू बी मूव्ड, एंड लास्ट इज फ्रॉम मेनू एंड एडिट इन टू पेस्ट। अगर आपको उसका जो भी कंटेंट लिखा है उसको मूव करना है, राइट, तो क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन यूजिंग शॉर्टकट की, अदरवाइज यूजिंग मेनू, एडिट मेनू, देन कट। जैसे ही कट करोगे तो आपका जो भी कंटेंट है वो कट हो जाएगा, दैट मीन्स वहाँ से मूव हो जाएगा और आपकी जो करंट लोकेशन है वहाँ पे जाकर आपको क्या करना है, सिंपल पेस्ट करना है। क्लियर? सेकंड मेथड इज यूजिंग माउस, परफॉर्म द स्टेप गिवन बिलो फ्रॉम मूविंग टेक्स्ट। फर्स्ट इज सिलेक्ट द टेक्स्ट टू बी मूव, सेकंड इज टेक अ माउस पॉइंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड ड्रैग द माउस टू टेक द माउस पॉइंटर टू द डिस्क्राइब पोजिशन वेयर द टैक्स टू बी मूव्ड, एंड लास्ट इज रिजॉल्व द माउस बटन। क्लियर? सो माउस से भी आपको यूज करना है, तो माउस से भी आप जो भी टैक्स आपने सिलेक्ट करके रखा है उसको सिलेक्ट करके आपको सिंपल क्या करना है, उसको ड्रैग करना है माउस से जहाँ पे उसको रखना है वहाँ पे, और सिंपली माउस को रिलीज कर देना है। जो भी आपने की प्रेस करके रखी हो वो की को आपको सिंपल रिलीज करना है। जैसे आप रिलीज करोगे तो ऑटोमेटिकली जो भी कंटेंट है वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। क्लियर? थर्ड मेथड इज यूजिंग कीबोर्ड, राइट। अभी कीबोर्ड से हम कैसे यूज करेंगे? द फॉलोइंग स्टेप आर डन फॉर मूविंग टैक्स। फर्स्ट इज सिलेक्ट द टैक्स टू बी मूव्ड, कंट्रोल प्लस एक्स, दैट मीन्स शॉर्टकट की, यू वॉन्ट टू यूज अ शॉर्टकट की, टेक द कर्सर टू द पोजिशन वेयर यू वॉन्ट टू टेक्स्ट टू बी मूव्ड, एंड लास्ट इज प्रेस द कंट्रोल प्लस वी। सी यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया है, फर्स्ट ये उन लोगों ने मेनू से यूज किया है, राइट, फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड भी मेनू से यूज किया है, सेम मेथड यहाँ पे उन लोगों ने शॉर्टकट की से यूज किया है और ये भी शॉर्टकट की से यूज किया है। बाकी दोनों चारों मेथड में उन लोगों ने एक ही काम किया है, जो उसका वर्क है वो सेम ही है। क्लियर? अगर आपको डेटा को कॉपी पेस्ट कट करना है और मूव करना है तो आप सिंपल आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है जो भी डेटा आपको कॉपी पेस्ट करना है, मूव करना है, कट करना है, उसको सिंपल कॉपी करना है, सिलेक्ट करना है फर्स्ट, देन आपको अगर कट करना है तो आपको सिंपल कंट्रोल प्लस एक्स, अदरवाइज आपको एडिट मेनू में जाकर कट, जैसे ही कट करोगे तो वो डेटा वहाँ से मूव हो जाएगा और आपकी जो भी करंट लोकेशन होगी वहाँ पे आपको क्या करना है, पेस्ट। पेस्ट के लिए आपके पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी, अदरवाइज यूज कर सकते हो आप मेनू, एडिट मेनू में जाके आप पेस्ट। सी यहाँ पे वही उन लोगों ने प्रोसेस किया है। क्लियर? फॉर कॉपी द सिलेक्ट टेक्स्ट सम स्टेप आर फॉलो एक्सपेक्ट फॉर प्रेसिंग कंट्रोल प्लस सी इंस्टेड ऑफ अ कंट्रोल प्लस एक्स इन स्टेप ऑफ टू, राइट। आपको पता है कि अगर आपको कॉपी करना है तो कॉपी और कट में मेन डिफरेंस क्या है कि कॉपी न्यू कॉपी जनरेट करेगा, दैट मीन्स आपका जो ओरिजिनल कंटेंट है वो कंटेंट तो वहीं पे तो रहेगा ही। सिर्फ कट में क्या होगा कि जो भी आपको ओरिजिनल कंटेंट है वो कंटेंट वहाँ से कट हो जाएगा और वहाँ से मूव हो जाएगा आपका जो भी न्यू लोकेशन है वो वहीं पर। क्लियर? तो कॉपी में क्या होगा, वो एक नई कॉपी जनरेट करेगा, वही सिर्फ मेन डिफरेंस है, दूसरा कुछ डिफरेंस नहीं है। क्लियर? एंड लास्ट इज यूजिंग आइकॉन। अभी यहाँ पे उन लोगों ने स्टैंडर्ड टूल बार से यूज किया है डेटा को मूव और कट और कॉपी करने का। सेम स्टेप आर फॉलो फॉर मूविंग एंड कॉपी टेक्स्ट एज शो इन मेथड थ्री अबोव एक्सपेक्ट ऑफ क्लिक ऑन द कट। कट मीन्स ऐसा आपको सिंबल स्टैंडर्ड टूल बार पे मिल जाएगा। इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एक्स एंड कॉपी ऑन द पेस्ट आइकॉन, पेस्ट आइकॉन का भी ऐसा सिंबल आपको स्टैंडर्ड टूल बार पे मिल जाएगा। इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग कंट्रोल प्लस वी कॉपी आइकॉन, दैट मीन्स यहाँ पे ऐसा आपको कॉपी आइकॉन भी मिल जाएगा, राइट। अगर आपको कॉपी करना है तो ऐसा कॉपी आइकॉन आपको मिल जाएगा। पेस्ट करने के लिए ऑलरेडी मैंने आपको ऑप्शन बता दिया कि ऐसा प्रेस करने के लिए ऑप्शन है, राइट, देन शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी,
और अगर आपको जो भी कंटेंट है उसको कॉपी करना है तो ऐसा आपको आइकॉन स्टैंडर्ड टूल पर भी मिल जाएगा, और यहाँ पे उसके शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी। क्लियर? सो देर आर फोर डिफरेंट मेथड, कि ये चारों मेथड से आप कट कॉपी और पेस्ट कर पाओगे आपका जो भी टेक्स्ट है वो। क्लियर? सो स्टूडेंट, होप यू आर अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।